हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलन, आप देख रहे हैं फोनर नीलन। आरंभ करिवा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये उस वीडियो का पार्ट 2 है और अभी समय हुआ है 9:35, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं इस जगह का और थोड़ा वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जगह कितना बड़ा है और क्या क्या है इसके अंदर। मैं अभी आ गया हूँ इस जगह का वो जो एंड था वहाँ पे आप देख सकते हैं, रास्ता है वहाँ पे जाता है। ठीक है, तो चलते हैं और कुछ देखते हैं आगे आगे क्या है और कैसा है इस जगह का लोकेशन, कैसा है और क्या क्या है। बहुत ज़्यादा धूप है। तो गाइस, ये जो रास्ता मैं वहाँ से एंटर किया था और यहाँ तक आ गया। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ का पंप हाउस है और ये जो दिख रहा है ये फार्म का ऑफिस है। यहाँ पे फार्म का इंचार्ज काम करते हैं और वो ये फार्म को, टोटल फार्म को मेंटेन करते हैं। ये सारे के सारे फार्म उनके अंडर है और ये वो जो हॉर्टिकल्चर ऑफिस मैंने दिखाया था ये उनके अंडर काम करते हैं। आप लोग देख सकते हैं येलो येलो वाला फूल यहाँ पे है। ये क्या है मुझे पता नहीं लेकिन अच्छा दिखता है। फ्रेंड्स, ये ऑफिस के अंदर एक पॉन्ड है, यहाँ पे पानी है और फिश भी अंदर है और ये ऑफिस को पानी देता है। ये जो पेड़ पौधों को ये क्वार्टर मिला है, जो वर्कर्स यहाँ रहते हैं उनको ये क्वार्टर मिला है और ये एक ग्रीन कलर का नेट, इसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये देख ले सकते हैं आप। अभी हम नेट के अंदर आ गए हैं और ये जो नेट है ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि ज़्यादा धूप ना हो, और अगर ज़्यादा धूप होंगे तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये मर जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट इसको देता है, ये सारा नेट देता है गवर्नमेंट और ये लोग यहाँ पे इसको टांगते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो है ये स्प्रिंकलर है, ये यहाँ पे हर तरफ जो प्लांट्स रहते हैं उसको पानी देता है ये पाइप से। ये ऊपर पाइप से कनेक्ट होता है, यहाँ से कनेक्ट होके ये यहाँ सबको पानी देता है, जो छोटे छोटे मैंगो प्लांट्स हैं इन सबको। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि जो मैंगो प्लांट्स पीछे में रहे ये कितने दूर लंबे तक यहाँ पे, कितने दूर यहाँ तक फैले हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फ्लावर्स है, ये मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे अंदर भी है, छोटा सा जगह है लेकिन अंदर ये लोगों ने ये जो फ्लावर को यहाँ पे लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं लेकिन अच्छा दिखता है। सो आई होप दैट गाइस, आप लोग यहाँ पे आके ये जो जगह को थोड़ा कभी आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं ये जगह को। और वो वीडियो में मैंने आप लोगों को देखा था वो जो ग्रीन का कुछ था, तो देखते हैं वो क्या है वो ग्रीन वाला चीज। आइए। सो गाइस, ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं भर्मी कंपोस्ट। भर्मी कंपोस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ कंपोस्ट चीज़ें इसमें मिलाया जाता है और ये छोटे छोटे प्लांट्स को दिया जाता है, बड़े बड़े को भी दिया जाता है, ये उनको उनका ग्रो के लिए ये बहुत अच्छा है। ये जो भर्मी कंपोस्ट पैदा किया जाता है
जिसको यहाँ पे बनाया जाता है और यहाँ पे पेड़ों को दिया जाता है। ये मैंगो ट्रीज आप लोग देख सकते, कितना बहुत ज़्यादा मैंगो यहाँ पे, मैंगो ट्रीज यहाँ पे है, तो कितना ज़्यादा मैंगो आ रहा होगा आप लोग तो सोच ही सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि ये जो जगह आपने दिखा है ये गवर्नमेंट का है, वो ये किसी का पर्सनल नहीं है, तो आप लोग भी यहाँ पे आके घूम सकते हैं, लेकिन वो जो इंचार्ज है उनसे थोड़ा परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे घूम सकता हूँ कि नहीं। मैं इस जगह के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ कि ये जो फार्म है इसका नाम है प्रोजेनी ऑर्चर्ड, और ये पहले मैंगो प्लांट से भरा हुआ नहीं था, ये पहले था तो ऑरेंजेस से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस यहाँ पे थे, लेकिन जब अनगुल में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे तो ये जो माहौल था कोल्ड, मतलब ऑरेंजेस कोल्ड में होते हैं, ये जो एनवायरनमेंट था एनवायरनमेंट चेंज हो गया और कोल्ड बदल कर हॉट हो गया, तो ऑरेंजेस का जो ट्रीज था वो सब मर गए। इसीलिए यहाँ पास में एक चौक है, उसका नाम है कमला फार्म चौक। ये इस जगह जो फार्म को लेके ही ये जगह का नाम बनाया गया है, कमला फार्म चौक। तो अभी तो यहाँ पे एक भी ऑरेंजेस का ट्री नहीं है, सब कुछ मर गए, बस मैंगोस ट्री है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कम से कम 700-800 तो होंगे, 800 मिनिमम होंगे, बड़े बड़े 800, छोटे छोटे तो बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों ने देख लिया कितना कितना ज़्यादा छोटे छोटे हैं। तो अभी यहाँ पे ऑरेंजेस नहीं है, बस ये मैंगो बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं, लीची का भी है, लेकिन मैं वो जो प्लांट से अभी सीजन में आते हैं तो अभी तो आए नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मेरा जो पहला वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको चेक कर लेना, ठीक है। वो भी इसी फार्म के बारे में है, इस फार्म का नाम आप और एक बार सुन लीजिए, इसका नाम है प्रोजेनी ऑर्चर्ड और ये कमला फार्म चौक के पास है। आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं एक और फार्म आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स है, आप लोग वहाँ वो जगह भी देख सकते हैं अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।